हिंदी साहित्य के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम करण है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हम सब के आराध्य श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव पर मनाए जाने वाले कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी एक कविता श्री हरि अवतार कृष्ण। जब भू पर संकट घनघोर हुआ तो अंबर गरज उठा ऊपर से, अधर्म को उसने फटकार लगाई कि अंत निकट है अब भू पर से। भय से कंस बेचैन हुआ, कारागृह भेज दिया बहन को, पर उसने अत्याचार नरों की मार सका ना वह अहम को। देवकी के नवजात शिशुओं को उसने दीवार पे दे मारा, रोती रही बहन सामने ही ना उसने राखी का कर्ज उतारा। कंस की काल कोठरी में फिर स्वयं विधाता ने जन्म धरा, कृष्ण पक्ष की घनघोर निशा में जगमगा उठी फिर सुप्त धरा। अधर्म का विनाश करने हरि ने कारागृह में कृष्ण अवतार लिया, श्री कृष्ण लीलाएं आरंभ हुई उस नटखट ने चमत्कार किया। सारा कारागृह अचेत पड़ गया, वासुदेव की बेड़ियां टूट गई, चल दिए वासुदेव व्रज को न अंबर की वाणी झूठ गई। गड़गड़ाहट से गूंज उठी सृष्टि, मेघ खूब वर्षा भल्लाए, जलधार बहुत तेज थी यमुना की पर टोकरी से कृष्ण मुस्काए। आगे वसुदेव बड़े यमुना में, पीछे नाग तिफन फैलाए, कृष्ण लीलाएं करते करते ब्रज में नंद के घर आए। खुल गए ब्रज के भाग सका, कृष्ण संपूर्ण ब्रज पर छाए, यशोदा के मनमोहन ने फिर दत्यों का संहार किया। मोर पखा से यशोदा ने नटखट का श्रृंगार किया, माखन कृष्ण को भाए इतना मनमोहन चोर बन बैठा है, पहले बछड़ों से दूध पीने को गईयों के सामने तन बैठा है। गईयों से इतना प्रेम कृष्ण को, गोकुल के ग्वाले बन गाय चराए, राधा का मनमोहने वाला वह मनमोहन रास रचाए। वह धरकर अवतार भू पर प्रेम को जीवन का उद्देश्य बताए, वह वृंदावन का दुलारा कृष्ण जो गोपियों के संग नाच दिखाए। सब जीवों का प्यारा कृष्ण मनमोहित करती बंसी बजाए, वही कृष्ण जो बचाने सबको सर्पों के फन पर नृत्य करे, कृष्ण वही जो बचाने सबको गोवर्धन उंगली पे धरे, वही कृष्ण जो धर्म बचाने कंस को मृत प्रदान करे, वही कृष्ण जो धर्म सिखाने विराट नारायण रूप धरे, वही कृष्ण जो सखा बनकर सुधामा के पद स्वयं धोए। देखा हालात बालपन की सखा की, स्वयं कृष्ण भगवान रोए, भरी राजसभा में कौरवों के द्रौपदी की जो लाज बचाए, कुरुक्षेत्र में गीता सुनाकर अर्जुन को जो कर्म सिखाए, उन कृष्ण को प्रणाम मेरा जो द्वारिकाधीश कहलाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह कविता आपको पसंद आई होगी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कविता किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।